कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। गाइस आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ पिक कार्ड आप सभी के लिए, और आज का रीडिंग का टाइटल है उनका अगला कदम इस रिश्ते की तरफ क्या होने वाला है। जी हाँ, इस रिश्ते की तरफ यानी कि आपकी तरफ, आपके पोर्शन किस तरीके का एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे भी तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको मिलेंगी इनकी तरफ से। ठीक है, तो इस पर आज रीडिंग कर रहे हैं उनके नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव के बारे में। तो आप हो सब हो जाओ पॉजिटिव और फटाफट से कर लो अपना पाइल सेलेक्ट। और मैंने पाइल नंबर 1 में रखा है, राशि रख दिया है गाइस। ओके, आपको अपने पोर्शन की राशि के हिसाब से आपको जो है पाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आपको बाय चांस आपके पोर्शन का राशि नहीं पता तो आप अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, पहला है मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या एरिस टॉरस जेमिनी कैंसर लियो और वर्गो, ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, दूसरा है तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन लिब्रा एक्वेरियस सजिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस और पाइसेस। तो ये है दो पाइल, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी सैड एनर्जी में नहीं रहनी है गाइस। ओके, आप फटाफट से चूज कर लीजिए। सो गाइस आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 की रीडिंग से, इसे हटाते हैं यहाँ से। ये है पाइल नंबर 1। गाइस ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, आप जानते हो प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह देखिए, ये कंप्लेन मत कीजिए कि इतनों को आते हैं एक्शन, इतनों के पोर्शन वापस आते हैं, हमारे क्यों नहीं आते। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ जब तक डिवाइन की तरफ से इशारा नहीं मिलता, आपको डिवाइन की इच्छा नहीं होती, उनकी मर्जी नहीं होती, तब तक इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो हर चीज़ के मिलने का एक वक्त होता है, जिनका वक्त आ गया है उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, है ना, और जिनका वक्त नहीं आया उन्हें नहीं मिलते, और जिनकी किस्मत में ये इंसान है ही नहीं तो उन्हें भी नहीं मिलते, है ना। तो सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, आपको ज़रा ध्यान देना है इस बात को। जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पोर्शन का अगला कदम नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। वाह, बहुत खूबसूरत डेथ का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत। देख लीजिए डेथ के साथ बिल्कुल हमारा बिंगो कार्ड टू ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ, बहुत ही खूबसूरत दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, बिंगो टू ऑफ कप्स एंड डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है। लवर्स भी निकल कर आ गए, आज की रीडिंग भी कमाल हो गई गाइस। डबल बिंगो निकल कर आया है, लवर्स विथ टू ऑफ कप्स। तो ये रीडिंग हो सकता है कि बहुत कम लोगों को रेजोनेट हो, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि ऐसा प्यार करने वाला इंसान कम होता है इस धरती पर जो इतना बेपनाह मोहब्बत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नजर आ गया है कि दो बहुत ही प्यार करने वाले दो इंसान एक दूसरे से जुदा हो गए। देखिए बिल्कुल साथ साथ आए हैं, और एक बात बता दूँ, मेजर अरकाना से दो कार्ड निकल कर आए हैं अब तक। Temperance, ये भी मेजर अरकाना से है। किंग ऑफ कप्स, लाजवाब लाजवाब। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इस रीडिंग को कहने के लिए, मैं बिल्कुल निशब्द हो गई हूँ। देखिए किंग ऑफ कप्स भी निकल कर आया है, और आपकी एनर्जी आ गई है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ खूबसूरत,
फिर से आपकी एनर्जी निकल कर आई है। हाई प्रोस्टस ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है? बॉटम ऑफ द डेक में ट्विन फ्लेम का सफर आया है, यानी कि 11-11 फोर ऑफ वैंड्स। तो आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर गाइज आज के रीडिंग में मेजर अर्काना से तीन तीन बड़े कार्ड निकल कर आए हैं। सैजिटेरियस स्ट्रांग है, यहाँ पर जेमिनी स्ट्रांग है और स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, ठीक है, इस रीडिंग में। इसके अलावा जो है कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे अर्थ साइन नजर आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर साइन है लियो सैजिटेरियस सिंह धनु और मेष राशि। सो पाइल नंबर वन, देखिए मैं आपको एक चीज़ तो दावे के साथ इस रीडिंग में कह सकती हूँ, जो टू ऑफ कप्स आया है साथ में लवर्स आया है, ठीक है, उसके साथ देख लीजिए आपकी एनर्जी जो है एम्प्रेस और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, यानी कि डबल आपकी एनर्जी है, डबल आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जो दिखाता है आप दोनों का जो कनेक्शन है यहाँ बहुत ही प्योर कनेक्शन है, बहुत ही शुद्ध प्यार जिसे कहते हैं, जिसमें कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई टाइम पास वाली चीज़ें नहीं, कोई धोखा वाली चीज़ें नहीं, इस तरीके का प्यार है आप दोनों का पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी मेष वृष मिथुन कर्क सिंह और कन्या राशि सेलेक्ट किया है ना, आपका प्यार इस इंसान के साथ बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला प्यार है, समझ गए। यहाँ पर कोई दिखावा कोई छलावा नहीं है, सबसे पहले आपको इस बात को लेकर क्लियर होनी है। आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो आपको इतनी हद तक, इस हद तक ये इंसान आपको प्यार करता है, जिसके लिए जो है मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने शायद शुरुआत में कहा था कि हो सकता है कि ये रीडिंग बहुत कम लोगों को रेजोनेट हो, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है जो इतनी शिद्दत से किसी को प्यार करे, जो इतनी शिद्दत से यू नो दूर होते हुए भी आपके लिए सोचे, आपके लिए तड़पे, है ना। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि इन्हें जो है आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, बिल्कुल भी नहीं बता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो जिसे लगता है कि प्यार है तो दिल के अंदर प्यार है ना, जिसे दिखाना या जाहिर करना ज़रूरी नहीं है, प्यार को तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये इंसान, मैं कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ, आपको मरते दम तक ये इंसान प्यार करेगा, और ये इस इंसान के जैसा प्यार आपको कोई और इस जिंदगी में आपको कोई नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जो है आपके पोर्शन अपनी फीलिंग सब कुछ छुपा रहे। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बताता है कि प्यार दिल में बहुत ज्यादा आपके लिए है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है उसके दिल में रिस्पेक्ट भी होती है, ये आपको प्यार भी करते हैं, ये आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर ये अपनी जितनी भी ये भावनाएं है ना, वो अपनी भावनाएं आपको नहीं बता रहे, आपसे छुपा रहे, ताकि इस रिलेशनशिप में ना जितनी भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, जो भी नासमझी हुई या फिर जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है ना, उससे ये इंसान अभी आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। या तो अपनी ही प्रॉब्लम्स के वजह से ये इंसान आपसे दूर हुए है, घर परिवार का कुछ इश्यू हो सकता है, कास्ट का कुछ इश्यू हो सकता है, तो इस इंसान ने क्या किया, अब चुप अभी जो है चुप रहना ही ये इंसान बेहतर समझ रहे, समझ गए। अगर आपको इनकी तरफ से एक्शन नहीं मिल रहा, आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस नहीं मिल रहा, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो आपको सोचना है कि ये इंसान बेवफा नहीं है। सबसे पहली बात, ये इंसान बेवफा नहीं है, ये दूर है, पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी सारी भावनाएं आपके पोर्शन जो है दिल ही दिल में छुपा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और इसके पीछे इनकी तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती है, मजबूरियाँ हो सकती है, पर इन्होंने प्यार करना आपको नहीं छोड़ा है। पॉइंट नंबर वन, समझ गए, लवर्स और टू ऑफ कप्स, यानी कि आप दोनों एक दूसरे का आईना हो। इस रीडिंग में आपको ये समझना है कि आईने की तरह आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, जो आप फील करते हो वही आपके पोर्शन दूर बैठकर आपके लिए फील कर रहे हैं, आप इन्हें इनके लिए तड़प रहे हो, आपके पोर्शन भी जो है आपके लिए तड़प इनकी मुझे यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड से नजर आई है, यानी कि दिल में बहुत दर्द है आपसे दूर होने का, आपको घुमा देने का दर्द होते हुए भी ये इंसान जो है आपको प्यार करना नहीं छोड़ पा रहे, तो इस शिद्दत से जो है ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, पर सीक्रेटली कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहे, ठीक है। इसके पीछे किंग का कार्ड जब आया है, तब मुझे लगा कि कैसा ये बंदा या बंदी है जो प्यार इतना होते हुए भी यू नो एक्शन नहीं ले रहे, नहीं बता रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, है ना। ये इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि इस इंसान के दिल के साथ साथ इस इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, जहाँ पर ये
यू नो हर एक चीज को सोचते हैं कि मेरे मैंने अगर प्यार कन्फेस कर दिया, मैंने अगर एक्शन ले लिया, मैंने अगर इनको बता दिया, तो पता नहीं मेरे चारों तरफ जितने भी लोग हैं, मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनकी जिंदगी पे इसका असर क्या पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके पोषण कर रहे हैं प्यार को, प्यार के दिल में होते हुए भी। देखिए आपको कितनी शिद्दत से, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो बताता है इस इंसान ने ना मन ही मन आपसे शादी कर ली है, इस इंसान ने मन ही मन आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। यू नो इस तरीके का कार्ड निकल कर आया है आपकी एनर्जी जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो इनकी ज़िंदगी यू नो बहुत खुशहाल हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं रहेगा। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जिसे कहते हैं ना, वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह से जो है आपके पोषण आपको देखते हैं कि अगर मेरी शादी इनसे हो जाए, अगर मेरी ज़िंदगी इनके साथ बिताना पड़े तो मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ मिलती मुझे, मैं कितना खुशनसीब हो जाता। तो इस तरीके की सोच इस इंसान के दिल और दिमाग में मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, और ये कहीं ना कहीं आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं। देखिए यहाँ पर तो 2 ऑफ कप्स और लवर्स आ ही गया है, ये दिखा रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है ये जन्मों जन्मों तक का जो है सफ़र आप दोनों को तय करना है, यानी कि ये रिश्ता टूट नहीं सकता इतनी जल्दी। दूरी आ सकती है, आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में यू नो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, सॉल्यूशन शायद नहीं मिल रहा। पर ये ऐसा नहीं है कि ये इंसान यू नो आपसे दूर हो गए तो आपको प्यार करना छोड़ दिया, ये तो आपको अपनी डेस्टिनी मानकर बैठे। ये भी डेस्टिनी का कार्ड होता है, डिवाइन का कार्ड होता है। और देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपके पोर्शन ने आपको अपना किस्मत मान लिया। ये कहीं ना कहीं जानते हैं है ना कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होगी तो इनकी किस्मत इनसे टूट जाएगी। तो इस तरीके का प्यार है, प्योर अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, जो बहुत कम लोगों में आजकल देखने को मिलती है, वो लव इस इंसान ने आपसे किया है, वो प्यार इस इंसान ने आपसे किया है। और इस इंसान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, मुंह के सामने आकर या फिर यू नो कहेंगे कि बार बार मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे लिए जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, इस तरीके की एनर्जी वाले इंसान ये नहीं है। जो भी है सच्चा प्यार है, दिल के अंदर प्यार है, और जब समय आएगा ये इंसान अपना प्यार भी आपको कन्फेस करेंगे। और ये इंसान किसी की भी मजाल नहीं है गाइस, किसी की भी मजाल नहीं है कि ये इंसान आपसे दूर हो जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें बता दिया है कि यही आपके लाइफ पार्टनर है, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, जिनके साथ आपका घर परिवार बसने वाला है कमिंग फ्यूचर में। ये इंसान देखे आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना कि ये आपको किसी को हर्ट करके आपको नहीं अपनाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपसे है ना, ये कहते हैं ना कि परिवार नहीं मान रहे तो फैमिली के खिलाफ जाकर आपको दूर ले जाएंगे, आपके साथ साथ गुपचुप रिलेशनशिप रखेंगे, आपको दुनिया के सामने नहीं, ये वो बंदा या बंदी नहीं है, ये वो इंसान है जो आपको सम्मान के साथ रिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहते हैं, और ये देकर भी रहेंगे। क्योंकि बॉटम में ही हमें 4 ऑफ वैंड्स मिला है जो दिखा रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन वाला कनेक्शन है वो जाकर जो है शादी के बंधन पर ही बंधेगा, और होगा आप दोनों का यहाँ पर अरेंज मैरिज ही, यानी कि ये परिवार को भी मनाएंगे, आपको भी मनाएंगे, और आपको जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत बनाने के लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है। अब देखिए सबसे खूबसूरत कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है वो है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है कि अब इस रिलेशनशिप में फिर से जो है रीस्टार्ट होने वाला है, नया जन्म आप दोनों के रिश्ते का फिर से जो है यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस इंसान का प्यार बहुत गहराई वाला है, यह ना ये बहुत गहराई वाला है, ये वो बंदा या बंदी नहीं है जो 2 पल के लिए आपका दिल बहलाने के लिए आएगा फिर चला जाएगा, इन एंड आउट करेगा, यू नो आते जाते रहेगा, आपको तकलीफ देगा, आपको इस्तेमाल करेगा, ये वो इंसान है ही नहीं पायल नंबर 1। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब देखिए किस बेहतरीन तरीके से कार्ड निकल कर आए हैं, यहाँ पर दो कार्ड साथ में जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड और ऊपर जो है हीलिंग का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि एक ही रीडिंग में आपको एक इंसान के सभी इमोशंस नजर आ रहे हैं। एक इंसान जो आज आपको दिन रात याद कर रहा है, अपने जीवन साथी बनाने के बारे में सपने देख रहा है, आज आप इनके साथ नहीं हो तो ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्यार जो भी दर्द इनके दिल में है आपसे जुदा होकर वो इंसान छुपा रहे है, अपने दिल के अंदर इन्होंने सारी बातें रख रखी है, पर इन्हें बहुत भरोसा है कि इस रिलेशनशिप का मुकाम शादी तक ही होगा, शादी तक ये इस रिश्ते को लेकर ही जाएंगे, और इसी वजह से ये इंसान आज खामोश है, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि इस इंसान को अपने ऊपर भरोसा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का नया बिगनिंग नई शुरुआत होकर ही रहेगी, इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं है, आपके पोषण बहुत क्लियर है इस बात को लेकर है ना कि इस रिलेशनशिप का स्टार्ट फिर से होगा, क्योंकि हम दोनों ने ही एक दूसरे से प्यार किया है।
आपके प्यार को लेकर भी आपके पोर्शन बहुत कॉन्फिडेंट है, इन्हें यकीन है कि आप इन्हें धोखा नहीं दोगे। अभी जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप इस सिचुएशन को समझोगे, आप भी इनका इंतजार करोगे। आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में एक एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बदलाव होने वाला है। यानी कि जो चीज़ टूट गया है आप दोनों का रिलेशनशिप, अभी आपको लगता है कि टूटा है, पर हमें डेथ का कार्ड मेजर अरकाना से मिला है जो बता रहा है कि इस रिलेशनशिप का फिर से न्यू बिगनिंग होने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत बड़ा बदलाव जो है आप दोनों के रिश्ते में जो है बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर ये संकेत डेथ के कार्ड ने हमें दे दिया है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आपके पोर्शन अभी आपसे दूर हो गए हैं, जुदा हो गए हैं, तो वो आपको याद नहीं कर रहे, आपको जो है भूल चुके हैं, आपको प्यार नहीं करते, है ना, ये इंसान झूठा है। ये बिल्कुल नहीं है, मैं सिरे से इस बात को खारिज करती हूँ, क्योंकि आज के रीडिंग में कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो बहुत मुश्किल से निकलते हैं पाइल नंबर वन, ठीक है। तो यूनिवर्स ने भी हमें ये इस बात का पुष्टि कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कि आपके पोर्शन अभी जो है आपसे जुदा होकर आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी आपके पोर्शन कर रहे हैं, यानी कि दुआएं ये मांग रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों का सफ़र एक हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो दूर हो जाए। तो इस तरीके की मैनिफेस्टेशन आपके पोर्शन कर रहे, दुआएँ भी कर रहे, क्योंकि ये किसी को दर्द देकर अपने प्यार को नहीं पाना चाहते। सबसे बड़ी खासियत शायद इस बंदे की या बंदे की यही है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, समझ गए। और इनको आपको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर आप दोनों का फिर से जो है नया शुरुआत हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, और ये होकर ही रहेगा, समझ गए। यहाँ पर नया जन्म इस रिश्ते का फिर से होना है, यानी कि ब्रेकअप जो चल रहा है, दूरी जो चल रही है, वो कुछ पलों की है जिसे आपको भी बर्दाश्त करना है और इन्हें भी बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो अब देखिए, आज का हमारा सवाल था कि क्या होगा उनका अगला कदम। हालांकि इस रीडिंग में यहाँ पर हमें कोई भी एक्शन का कार्ड नजर नहीं आया है गाइस, पर सबसे बड़ा एक्शन ही जो है हमें यूनिवर्स ने दे दिया है कि इस रिलेशनशिप का फिर से स्टार्ट होना है, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होना है, है ना। जो चीज़ें अभी चल रही है वो सिरे से खारिज हो जाएगी, यानी कि जुदाई चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कोई भी सिचुएशन नेगेटिव चल रही है, वो सब चीज़ें जो है अब जाकर पॉजिटिव वे में बदल जाएगी आपके रिलेशनशिप में, और आपके रिलेशनशिप का फिर से होने वाला है स्टार्ट और बिगनिंग, यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू लाइफ आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है, ठीक है। तो इनका अगला कदम यही होने वाला है कि अपनी जो भी फीलिंग्स ये अभी छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, दबा रहे हैं, उन सब चीजों को ये बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे। यहां पर जो है इनका एक्शन इस रीडिंग में निकल कर नहीं आया है, पर ऊपर वाले ने ही जब एक्शन दे दिया है तो हमें तो जो है इसका इंतजार ही करना पड़ेगा गाइस, ओके। पर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये बात आप लिख कर रख लो, जब आपके पोर्शन वापस आएंगे तब जो है आपको समझ में आएगी कि मैंने जो रीडिंग आज दी है उसमें बहुत सारी सच्चाई थी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगी। नंबर 13 है, नंबर 2 है, नंबर 6 है, नंबर 14 है, नंबर 9 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है और नंबर 4 है गाइज, ओके। तो ये नंबर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, ओके। आपके पोर्शन इस या तो इस डेट में आ सकते हैं आपको मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनी टाइम कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, समझ गए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कल्पना नहीं की थी वो चीज़ यहाँ पर होगी, होगी ही, इस ये गारंटी है कि आपके पोर्शन वापस आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो नंबर्स बता दिए हैं, देख लेना ये अगर आपके पोर्शन से या आपके लाइफ से कुछ मैच होती है, और इसी नंबर्स में जो है आपके पोर्शन के आने के या फिर उनके अगले कदम आपकी तरफ बढ़ाने के चांसेस मेजोरिटी में है। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि सेलेक्ट किया है ना, चलिए देख लेते हैं उनका अगला कदम आपके तरफ या इस रिश्ते की तरफ वो क्या बढ़ाने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, किस तरीके का ऑफर लेकर आएंगे तो, है ना। पर ध्यान दीजिए, जनरल रीडिंग है गाइस, जिनका अभी एनर्जी, जिनका अभी डिवाइन टाइम आया है उसी को मिलेगा अगला कदम, ठीक है। वक्त से पहले, किस्मत से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान में देना है।
गाइस मैंने कर लिया सफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और पहला कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ वैंड्स। स्ट्रेंथ, वाओ। बहुत खूबसूरत थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर टू। स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल थर्ड पार्टी की कार्ड निकल कर आई है। ओके, देख लीजिए। डेथ का कार्ड निकल कर आया है। वाओ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, वर्ल्ड। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी वर्ल्ड का निकल कर आया है। और हमें बॉटम ऑफ द डेक में मिला है सेवन ऑफ कप्स। और इस रीडिंग में जो है मेजर अरकाना से तीन बड़े कार्ड निकल कर आए हैं। डेथ है यहाँ पर, स्टार है यहाँ पर और स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो चलिए आपको साइन और एलिमेंट भी यहाँ पर बता देते हैं। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, उसके बाद जो है स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है। स्टार के कार्ड से एक्यूरस की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर सभी साइन आए हैं। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। फायर साइन भी है कुछ लोगों के लिए, लियो सैजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। और अर्थ साइन भी आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। गाइज देखिए, मुझे आपके पोर्सन की एनर्जीज जब मैंने यहाँ पर देखी है तो एक चीज़ का मुझे बहुत एहसास हो रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान ने आपके और इनके रिश्ते को लेकर ना बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। ऐसा मुझे ऐसे एनर्जीज नज़र आ रही है कि ये ना ज़्यादा इस इंसान में या तो हिम्मत नहीं थी है ना आपके आपके और इनके रिलेशनशिप को एक्सपोज करने की, परिवार के सामने या समाज के सामने ये एक्सपोज नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं दिखा पाए, इन्होंने गिव अप कर दिया। ऐसे वाले एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो है आपके पोर्सन की नज़र आ रही है। इनके ज़िंदगी में ना हमेशा कुछ चीज़ों को लेकर डाउट, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन, इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पोर्सन जो है नजर आ रहा है, जो एक वजह है आप दोनों के रिलेशनशिप के टूटने के पीछे की वजह। ठीक है, इनके पास यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखिए यहाँ पर बॉटम में निकल कर आया है सेवन ऑफ कप्स। ये दिखा रहा है या तो इस बंदे या बंदी के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए गए कि जो है आपको छोड़कर दूसरे ऑप्शंस को चूज करना है। जैसे कि हो सकता है कि कैरियर को लेकर या फिर परिवार को लेकर या फिर यू नो कास्ट मैच नहीं हुआ, आप दोनों का रिलीजन मैच नहीं हुआ। तो ऑप्शंस बहुत है और इन ऑप्शंस में ना आपके पोर्सन बिल्कुल उलझ कर रह गए। इन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर मैं क्या करूं, किस इंसान को, इंसान की बातें सुनूं, किस रिलेशनशिप में जाऊं, किस चीज को मैं चूज करूं। तो हमेशा कंफ्यूजन वाली, डाउट वाली एनर्जीज मुझे आपके पोर्सन की नजर आ रही है, जिसमें इनमें हिम्मत की भी कमी थोड़ी मुझे नजर आई है। जो आपका पास्ट की रिलेशनशिप की कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ और इन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में, ऐसा नजर आता है। हमेशा जो है फंसा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो प्यार करता है आपसे, ऐसा नहीं है ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं पर इन्होंने गिव अप कर दिया बहुत आसानी से। और आप जो है हमेशा मजबूत बनकर रहे, स्ट्रांग बनकर रहे, आपने हमेशा इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर शायद ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाए और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी मजबूरी है। आज जो है आपके पोर्सन किस कंडीशन में है, कैसी है इनकी एनर्जी, तो देखिए मैं बता दूं, आज आपके पोर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है, ये इनकी बहुत ही एक पेनफुल एनर्जी है जो दिखाती है कि इस इंसान को बिल्कुल भी, जो डिसीजन इन्होंने आपसे दूर जाने का लिया था ना, उस डिसीजन से आपके पोर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से इन्होंने जो है आपके लिए हिम्मत नहीं दिखाई, इन्होंने इस रिश्ते को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया,
साथ चले गए, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट, पछतावा, गिल्ट आपके पोर्शन को हो रहा है और पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। किस तरीके से जो है इन्होंने दूसरों की बातें, जी हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ही बातें सुनने की वजह से आपके पोर्शन और आपके बीच में दूरी आई है, ये मुझे नज़र आ गया। और आपके पोर्शन आपको धोखा देना नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि आपसे दूर हो जाए, आपको धोखा दे दे, रिलेशनशिप को तोड़ दे, पर कहीं ना कहीं ये इंसान बंधनों में इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बंध गया कि ये इंसान उससे निकल ही नहीं पाया और इन्होंने जो है इस रिश्ते का क्लोजर कर दिया, ऐसी एनर्जीज निकली है। तो आज देखिए उन सब चीज़ों को लेकर आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, तकलीफ में है, इनकी तकलीफ मुझे नज़र आ रही है जब मैंने नाइन ऑफ सोर्ड्स को देखा है ना। इनको लगता है कि चारों तरफ से जो है तलवारें ही तलवारें जो है इनके सीने पर डाली जा रही है, इस इंसान को इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान चाहते नहीं थे, इनकी चाहत ये नहीं थी, पर इन्होंने ये कर दिया। अब उन्हीं गलतियों को लेकर पछतावा यहाँ पर चल रहा है। अब एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहती हूँ गाइस, देखिए अगर आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके रिलेशनशिप टूटी है, तो आपको समझना है कि अब जो है यहाँ पर बिल्कुल पासा पलटने वाला है, यानी कि आपके पोर्शन अब जो हिम्मत पहले नहीं दिखा पाए थे वो हिम्मत आपके पोर्शन में आ रही है, यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड हमें मिला है जो दिखाता है कि आपके पोर्शन ने जल्दी गिवअप कर दिया था इस रिश्ते में। अब जो है ये पूरी हिम्मत बटोर कर जो है आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे नजर आए हैं। ठीक है, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये आपके साथ किस तरीके से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर इन्होंने अभी पार्टनरशिप कर रखी है, जहां पर ये रिलेशनशिप बनाकर बैठे हैं, या फिर जिनके साथ आपके पोर्शन अभी है, रिश्ते में है या परिवार में है, वहां से जो है आपके पोर्शन बहुत जल्द निकल रहे हैं और यहां से निकलने की हिम्मत अब आपके पोर्शन में यहां पर आ गई है। देखिए स्ट्रेंथ विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी का घर छोड़कर या अपनी सिचुएशन से बाहर निकलकर, जो भी इनका कैरियर का मसला था, जो भी इनका परिवार का मसला था, उन सब चीज़ों से निकलकर नए आइडियाज अब आपके पोर्शन लगा रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचना है। समझ गए, आप तक ये पहुंचना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं और किसी और को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो हिम्मत आपके पोर्शन में यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, पाइल नंबर टू आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए जब इंसान मजबूर होता है ना, उस इंसान को ही जो है ऊपर वाले की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है ना, क्योंकि हम हमारी लाइफ में जब अच्छा होता है हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं, अल्लाह को, ईश्वर को हम भूल जाते हैं, पर जब दर्द में होते हैं ना तभी जो है हमें उनकी याद आती है। तो वही कुछ सिचुएशन आपके पोर्शन का चल रहा है। देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स विद द स्टार का कार्ड यही दिखा रहा है कि इस इंसान को बहुत पछतावा है और ये इंसान जो है अपनी इन मजबूरियों से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इनके लिए एक वरदान हो, इन्होंने ये चीज़ अब पता कर ली है, इनको अब इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको जो है एक विश की तरह ऊपर वाले ने इनकी ज़िंदगी में भेजा था और ये आपकी कदर नहीं कर पाए, तो इनके लिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एक विश हो, आप इनके लिए एक गिफ्ट हो, एक वरदान हो, ऐसी बातें आपके पोर्शन को अब यहाँ पर समझ आ चुकी है। स्टार का कार्ड मेजर अरकाना से होता है, बिल्कुल इग्नोर मत करना। स्ट्रेंथ मेजर अरकाना से होता है, बिल्कुल इग्नोर मत करना, यानी कि जो मेजर अरकाना से यहाँ पर कार्ड आए हैं वो इनकी वास्तविकता है, जो आप होने वाली है। समझ गए, जो अब तक नहीं कर पाए थे वो चीज़ें अब इस इंसान में होने वाली है। तो अपने सारे सपने पूरे करने के लिए, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए नए आइडियाज लगा रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचना है, अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ पर एज इट इज़ है, प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है जो दिखाता है इस इंसान के कन्फ्यूजन को, इस इंसान के डाउट्स को दिखा रहा है, अभी भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेकर। बॉटम में भी यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स आया है जो दिखा रहा है कि इनके रास्ते बहुत ज़्यादा है ना, किस रास्ते चलना है, उन सब चीज़ों को लेकर अभी भी थोड़े डाउट में है, पर ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, आप जिस ऊपर वाले को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण आपको एक संदेश दिया है, वो है डेथ का कार्ड, जो दिखा रहा है कि अभी किसी भी वजह से अगर आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप का फिर से न्यू बिगनिंग हो रहा है, यानी कि आपके पोर्शन इसी तरीके से अपने आप को बदल कर, यानी कि पहले देखिए बदलाव का आपको नज़र आया, पहले आपके पोर्शन आपके लिए बिल्कुल स्टैंड नहीं ले पाते थे, आपको अपना बना नहीं पाते थे, आप इन्होंने बहुत जल्दी गिवअप कर दिया इस रिलेशनशिप में, छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को। अब बिल्कुल जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव, जो हिम्मत ये नहीं कर पाए वो हिम्मत अब आपके पोर्शन दिखाएंगे,
आपको अपना नहीं पाए, आपको अपनाने के लिए आपके पोर्सन आएंगे। जिस रिलेशनशिप का एंड हुआ है उस रिलेशनशिप में जो है न्यू बिगनिंग होगी, यानी कि डेथ हमेशा इसका ऑपोजिट कार्ड होता है। इसका ऑपोजिट मीनिंग यही होता है कि रिश्ते में फिर से नया जन्म या इंसान में एक बदलाव, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पर नजर आया है किस तरीके का बदलाव आपके पोर्शन में हो रहा है, यानी कि डेथ का कार्ड आपके रिलेशनशिप का फिर से नया बिगनिंग, नई स्टार्ट विथ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत बड़े बदलाव के साथ आपके पोर्शन और आपके बीच की जो भी दूरियाँ हैं, जो भी रिश्ता खत्म हुआ है, उस रिश्ते में फिर से जो है पुनर्जन्म होने वाला है। न्यू रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पोर्शन जो है बहुत सारे यहाँ पर आइडियाज लगा रहे हैं और ये इंसान आप तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए आप हो एक खूबसूरत वरदान, जिसे इस इंसान की खुद की ही गलतियों की वजह से इन्होंने अपने लाइफ से दूर कर दिया है। पर ये अभी आपको मांग रहे हैं, ये अभी आपको पाना चाहते हैं और ऊपर वाले से यही मन्नतें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी विश फुलफिल हो जाए और ये आपकी ज़िंदगी में वापस जो है वही खुशियाँ लेकर वापस जल्दी से जल्दी आए। अब दूसरा कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ जो है वर्ल्ड का कार्ड, पाइल नंबर टू। वर्ल्ड के कार्ड ने यहाँ पर बता दिया कि आप दोनों को एक दूसरे की दुनिया बनना है, आप एक दूसरे को जो है आपके पोर्शन आकर आप दोनों को संभालना है, आपको इन्हें संभालना है, इन्हें जो है आपको संभालना है, यू नो कि आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया के लिए ही बनाए गए हो। समझ गए, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, मजबूरियाँ आई है, उसका सॉल्यूशन निकाल कर आपके पोर्शन जो है आपकी दुनिया में वापस आ रहे हैं। और यही बात यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि तुम्हें जो है इसी इंसान के लिए बनाया गया है और इस इंसान की दुनिया में जो है तुम्हें लेकर हम जाएंगे, यानी कि ये एक दावा है ऊपर वाले का। समझ गए, तो जो भी बुरा वक्त, बुरा फेज आज की रीडिंग में आप में से कई लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है, यानी कि आपके पोर्शन का जो है कदम बढ़ाने का टाइम आपकी तरफ यहाँ पर आ चुका है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत दूर रहते हो, तो सोच लो आपके पोर्शन दुनिया के किसी भी हिस्से से जो है आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, ट्रैवलिंग भी आपको मिल सकती है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान देख रहे हैं, आपको जितना देखेंगे उतना ही इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो आपको सोशल साइट्स पर स्टॉक करना, इस इंसान का एक ना डेली रूटीन सा बन गया है कि आपको देखना है, आपकी तस्वीरें देखनी है, आपके बारे में सोच सोचना भी इस इंसान को कभी बहुत ज़्यादा खुश कर जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा दर्द दे जाता है ना। तो सभी चीज़ों को लेकर ओवरथिंकिंग आपके पोर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पर अच्छी बात यहाँ पर यही नज़र आई है कि आपके पोर्शन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और ये वापस आकर ही रहेंगे, है ना। क्योंकि हम चाहे दूसरे कार्ड को इग्नोर कर दे, पर जब मेजर अरकाना से कोई कार्ड आता है गाइस, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये होना ही होता है, है ना। इनको जो है आप एक वरदान की जैसे लगते हो और इन्होंने आपको एक गिफ्ट की तरह ऊपर वाले से मांग लिया है। जी हाँ, आपके पोर्शन ने आपको मांग लिया है, है ना, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर पा रहे, फंसे हुए हैं, देख लीजिए किस तरीके से फंसे हुए हैं। तो इन्होंने ऊपर वाले से हेल्प ली है यहाँ पर और इनकी ये विश पूरी होकर ही रहेगी, ठीक है। पहला मेजर अरकाना का ये मतलब हुआ। दूसरा कि ये जो भी आपको आपके लिए हिम्मत नहीं दिखा पाए थे, बहुत जल्दी इन्होंने हार मान ली थी इस रिश्ते में, अब जो है आपके पोर्शन को लड़ने की हिम्मत यहाँ पर दी जा रही है ताकि वो आपको अपना बना सके। डेथ का कार्ड भी वही दिखा रहा है कि जो रिश्ता दी एंड हो गया है, जिस रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो गया है, उस रिश्ते का फिर से जो है नया जन्म होना है। आप दोनों को एक दूसरे का होकर ही रहना है और एक दूसरे की दुनिया में वापस आना ही है। तो ये बहुत जल्द होगा गाइस, क्योंकि मेजर अरकाना से इतने कार्ड आ गए, तो आपको आप समझ लो कि यहाँ पर भले ही दूसरा कोई एक्शन का कार्ड नहीं मिला है, पर यहाँ पर ईश्वर ही चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, तो यहाँ पर होकर रहेगा, ठीक है। तो उनका अगला कदम यही होने वाला है कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। आपके पोर्शन बहुत जल्द आपकी दुनिया में आ रहे हैं, हालांकि इस रीडिंग में ही आएंगे ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, हो सकता है कि इसी रीडिंग में आप में से कई लोगों को इनका ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ जाए, बदलाव नज़र आए, इस रिश्ते का फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि डेथ आया है, एनी टाइम हो सकता है ये चीज़, अभी भी हो सकता है, कुछ पलों में हो सकता है ना, कुछ वक्त भी लग सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं आपको दे रही हूँ, देख लीजिए ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 17 यहाँ पर है, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 13 दो बार आया है गाइस। ओके, तो 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 है, नंबर 8 है और नंबर 21 है। तो ये नंबर्स कुछ मैंने आपको दिए हैं, देख लीजिए क्या ये कनेक्शन आपके साथ, इन नंबर्स का आपके पोर्शन के साथ कुछ है या फिर
आप इस डेट पर मिले हो या फिर आने वाला डेट, ये हो सकता है जब आपके पोषण और आपका मिलन हो, जब आपके पोषण आपकी दुनिया में फिर से बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, बदलाव के साथ। ये बात गारंटी है कि ये इंसान पहले वाले एनर्जी में नहीं आएंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत बदले हैं, बहुत सुधरे हैं। आपके चले जाने के बाद इस इंसान ने बहुत चीज़ खो दिया है अपनी ज़िंदगी से, जो एहसास होता है ना, पछतावे का एहसास मुझे यहाँ पर नज़र आया है। और ये इंसान डेफिनेटली आ रहे हैं पाइल नंबर टू। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, है ना। अच्छी भावनाएं अपने मन में रखिए ताकि जल्द से जल्द आप दोनों का मिलन हो जाए। तो इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।